बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर एंड मिसेस ख़ान के किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं चिक्की, जो कि पीनट्स की हम बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इंग्रेडिएंट्स सारी आपके सामने पड़ी हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमने लिए हुए हैं, 1.5 कप यहाँ पर मैंने पीनट्स लिए हुए हैं, मूंगफली। इन्हें पहले मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि ये रेडी हो जाएं, क्योंकि ये कच्ची मूंगफली है तो इसे मैं रोस्ट करूँगी सबसे पहले। हल्की आंच पे मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। व्यूअर्स, देखिए आपको कड़कड़ की आवाज़ आ रही होगी, अभी रोस्ट हो रहे हैं। और आपको देखिए ये इसका छिलका भी उतर रहा है। थोड़ी देर इसे और मैं करूँगी ताकि ये सारे हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, मूँगफलियाँ हमारे पीनट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसकी अगले स्टेप पे जाएंगे हम। हमारी मूँगफलियाँ तैयार हो चुकी हैं व्यूवर्स, देखिए इसमें से ज़बरदस्त सी आवाज़ें आ रही हैं। अभी इसे मैं निकाल दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए और इसका हम छिलका उतार देंगे। हमारी मूंगफलियाँ तैयार हो चुकी हैं व्यूवर्स, देखिए इसमें से ज़बरदस्त सी आवाज़ें आ रही हैं। अभी इसे मैं निकाल दूंगी ताकि ये ठंडी हो जाए और इसका हम छिलका उतार देंगे। इसके सेकंड स्टेप पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ML का वो लिया हुआ है, गुड़ लिया हुआ है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप बेशक चीनी में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी शामिल कर दूंगी मैं। फिर हम इसका अच्छी तरह इसे पिघला लेंगे गुड़ को। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारा गुड़ मेल्ट होके ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब घी डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर इसमें घी डाल दिया है। और अब इस स्टेज पर मैं 1 पिंच यहाँ पर मैंने ली हुई है बेकिंग पाउडर की। इससे बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह, देख लीजिए। चूल्हा अब मैं कर देती हूँ बंद। इसमें ये मूँगफलियाँ जो हमने रेडी करके रख दी थी ये डाल दूँगी सारी। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिक्की अभी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह हमारी चिक्की माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन तैयार हो गई है। हमने इसे गरम गरम ही काट लिया था, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी, कड़क हो जाती है, उसके बाद फिर ये कटने में प्रॉब्लम देगी। तो जब हमने इसे सांचे में निकाल दिया था, इसकी हमने कटिंग कर ली, अब ये स्टिल गरम है। ठंडा होने के बाद ही ये इंशाल्लाह खाने के लिए रेडी हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये झटपट सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी ये रेसिपी आपकी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बांद, अल्लाह पा अमान।